हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल है करवा चौथ स्पेशल के ऊपर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ करवा चौथ के ऊपर बहुत ही अच्छा, एकदम इजी और सिंपल मेकअप जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं किया है और एकदम आप लोगों के लिए सिंपल सा मेकअप लेके आई हूँ। तो अब स्टार्ट करती हूँ मैं मेरा मेकअप, तो पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम फेस पर लगाने वाले हैं प्राइमर, क्योंकि प्राइमर हमारे फेस के लिए मस्ट है। ये प्राइमर मैंने खरीदा है अभी शॉप करो से और बहुत ही अच्छा मुझे प्राइमर लगा था। मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, हालांकि मैंने इसका टेस्टर यूज़ कर रखा है तो मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे थे। सो मैंने इसको मेरी वैनिटी में ऐड कर दिया है। और ये प्राइमर अल्कोहलिक हाइड्रेटिंग प्राइमर है, क्योंकि हम उस दिन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहने वाले हैं, क्योंकि पूरा दिन बिगर पानी रहने वाले हैं। सो उसके लिए ये प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे फेस को ये हाइड्रेशन देगा और हाइड्रेटेड फेस पर ही मेकअप अच्छा लगता है, डिहाइड्रेट फेस पर नहीं लगता है। शीट मास्क और ये सब चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं वो आपको मैं मेरी किसी और अच्छी सी वीडियो में बताऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा क्यों यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बोर्जोइस हेल्दी मिक्स। ये फाउंडेशन मैं मेरे परफेक्ट शेड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप ना ज़्यादा हेवी करना है ना ही ज़्यादा लाइट करना है। अब इसको मैं पूरे फेस पर मेरे डॉट डॉट करके लगाने वाली हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आप चाहते हो आपका फाउंडेशन ज़्यादा वेस्ट ना हो तो आप इस तरीके से लगाएं। अगर ब्लेंडर में डायरेक्ट लेके लगाएंगे तो ब्लेंडर थोड़ा सा तो फाउंडेशन हमारा उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ही लेगा। फाउंडेशन मैंने मेरे पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया है। अब आ जाती है कंसीलर की बारी, और कंसीलर में मेरा फेवरेट यूज़ कर रही हूँ जो कि है फॉरएवर 52 का। ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। अब आ जाती है कॉम्पैक्ट की बारी, क्योंकि हमने जो कंसीलर लगाया है उसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर क्रीजिंग आ जाएगी। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैं यहाँ पर मैक का, और इससे मेरा जो कंसीलर है बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। अब आ जाती है फेस की कॉन्टोर की बारी। कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की कॉन्टोर पैलेट, जिसके अंदर ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोर तीनों ही अवेलेबल हैं। सो इसके अंदर से मैं कॉन्टोर यूज़ करने वाली हूँ। कॉन्टोर क्योंकि फेस को बहुत ज़्यादा सटल लुक देता है और न ही ज़्यादा एकदम यानी हार्ड कॉन्टोरिंग दिखाता है और न ही एकदम लाइट। कॉन्टोर मैंने एकदम लाइट रखा है। अब यहीं पर सेम मैं फॉरएवर 52 की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर सारे डार्क शेड्स के ब्लश अवेलेबल हैं, जो कि मुझे आज एकदम रेड, क्योंकि करवा चौथ पर सब जने रेड ग्रीन इस टाइप का ही वेयर करते हैं, तो इन सब के ऊपर रेड कलर का ब्लश बहुत अच्छा लगता है, पिंक कलर का भी अच्छा लगता है। पर इसके अंदर मैं पीच कलर का जो ब्लश है वो यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी के अंदर भी पीच टोन है इसलिए। अब आ जाती है हाइलाइटिंग की बारी। तो फेस की हाइलाइटिंग मैं करने वाली हूँ फॉरएवर 52 की कॉन्ट्रोर पैलेट से। इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक गोल्डन शेड का हाइलाइटर अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ इसके पिगमेंट्स इतने अच्छे हैं, ये फेस को एकदम मस्त ग्लोसी लुक देता है। अब आ जाती है आई मेकअप की बात। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं मेरी आईब्रोज को एक बार डिफाइन कर देती हूँ। डिफाइन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का आईब्रो डिफाइनर। आईब्रो मैंने अच्छे से डिफाइन कर ली है। अब आ जाती है हमारे आई मेकअप की बारी। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की फैंटेसी पैलेट, जो है एकदम यूँ समझ लीजिए फेस्टिवल स्पेशल पैलेट है, क्योंकि इसके अंदर सारे ही अच्छे अच्छे ग्लिटर वाले कलर अवेलेबल है, जो कि हम फेस्टिवल पर इस टाइप के ही कलर अगर वेयर करते हैं तो ये आई मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैलेट है। ये न्यूड सा कलर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ इसको मैं ट्रांजिशन शेड की तरह अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्विक मेकअप होने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। थोड़ा सा इसके अंदर ये बरगंडी कलर जो है उसको मिक्स करूँगी, और मोस्टली सब जने रेड और पिंक इस टाइप का ही वेयर करते हैं, तो थोड़ा रेड कलर भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ग्लेजर्ड ब्यूटी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर से मैं यहाँ पर रेड कलर पिक करूँगी।
पिंक कलर मैंने अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड कर दिया है। अब इसको और थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए मैं बिग ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, ताकि जो कहीं पर भी अगर ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट रह गया हो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट ये गोल्डन शिमर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसको मैं मेरी फिंगर से ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि ब्रश से एकदम बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। अब थोड़ा सा कॉर्नर्स वगैरह में लगाने के लिए ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। अब सेम प्रोसेस से ये वाला भी आई शेडो कर लेती हूँ। आई मेकअप मैंने दोनों आईज पर कर लिया है, आप देख सकते हो एकदम सिंपल सा आई मेकअप किया है। 3 शेड से मैंने पूरा आई मेकअप कर दिया है। और अब कर देती हूँ मैं आईलाइनर, जो कि शुगर की मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी एक आईलाइनर है ये, अगर आप लिक्विड लाइनर ढूंढ रहे हो बहुत अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी आईलाइनर है। इससे मैं एकदम पतले विंग वाला आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। आई मेकअप मैंने एकदम पतला लगा दिया है। अब आ जाती है मेरी मस्करा की बारी, तो मस्करा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का डबल डेट मस्करा। थोड़ा सा मस्करा मेरी लोअर लैश पर लग गया है। अब मैं लगा देती हूँ मेरी वाटर लाइन पर काजल, और काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ माय ग्लेम की। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये काजल है, मेरी आईज़ को एकदम परफेक्टली सूट हो रही है अभी फ़िलहाल, और बहुत ही अच्छा एकदम जेट ब्लैक इसका कलर है। काजल लग चुकी है, और काजल के नीचे अब हम सेम हमने जो आई शेडो के अंदर कलर्स यूज़ किए थे, फर्स्ट जो ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था, उसी को मैं अच्छे से मेरी आईज़ के नीचे ब्लेंड कर दूंगी, ताकि जो हमारी आईज़ है वो अच्छी बिगर दिखती है। इससे लुक कितना अच्छा आता है आप देख सकते हो, आंखें मस्त बड़ी बड़ी दिखती हैं। और अब आ जाती है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप को थोड़ा सा मॉइस्चराइज, लिप्स एकदम ड्राई ना लगे। लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिसकॉस की रेड लिपस्टिक, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो भी रेड है, सो बहुत ही अच्छी ये लिपस्टिक है, और मैं भी यहाँ पर यूज़ करूँगी। इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो, बहुत मस्त रिज़ल्ट है। लिपस्टिक हमारी लग चुकी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा मस्त ब्राइट सा एकदम रेड कलर आया है, और एकदम ये रेड कलर ना भड़कीला है और ना ही ज़्यादा एकदम पिंक टाइप का है, बहुत ही मस्त रेड कलर है। अब इस पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, शुगर का सेटिंग स्प्रे है। ये है हमारा फाइनल मेकअप, अब मैं दिखाऊँगी आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। ये लुक मैंने स्पेशल क्रिएट किया है करवा चौथ के लिए, और आपको ये लुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आई होप। और इस लुक के मैं फ़ोटोज़ अच्छे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ जाकर आप ये लुक पूरा डिटेल में देख सकते हो। और ये लुक अगर आपको क्रिएट करना है तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये लुक अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे मेरे जो मेकअप के लुक्स होते हैं उनके फ़ोटोज़ वहाँ पर पोस्ट करती हूँ, ताकि आपको वो प्रॉपर दिख सके। और उस लुक को आप बिल्कुल कॉपी करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो अब बस मैं यहीं पर कर देती हूँ मेरे ट्यूटोरियल का एंड। अगर आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।